विजयदशमी के साथ मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला आरंभ हो गया है। दुर्गा विसर्जन वाले स्थलों पर नगर निगम जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने सभी से मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। 9 दिन तक चले नवरात्र में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। भंडारे के पश्चात मूर्ति विसर्जन का सिलसिला आरंभ हो गया है। इसके लिए प्रशासन, नगर निगम द्वारा और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस के आला अधिकारी समेत होमगार्ड SDRF द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 9 दिनों तक पंडालों में चले अनुष्ठान के पश्चात दुर्गा विसर्जन शुरू हो गया है। कि हमारे यहाँ डीएवी रोड प्रयागपुर गली नंबर 1 में ये 14 साल है वो माता रानी को पंडाल बनाते हैं और बहुत सारे श्रद्धालु पूरे डीएवी रोड श्रद्धाभाव से ये दुर्गा पूजा मनाते हैं और अब विजयदशमी के दिन ही हम लोग भंडारा कराते हैं। इसके पश्चात माता रानी का विसर्जन बहुत सारी भीड़, बहुत सारी जनसंख्या के लोग आते हैं, खूब धूमधाम से पूरे विसर्जन में हमारी पूरी टीम लगी हुई है। युवाओं की पुलिस प्रशासन लगे हैं, नगर निगम पूरी टीम लगी है, कहीं कोई चूक न हो जाए। और हम सभी से आग्रह भी करना चाहेंगे जो विसर्जन के लिए आ रहे हैं यहाँ पे गिरवा में कनियारी में, तो छोटे बच्चे लेके ना आए, क्योंकि छोटे बच्चे ले आएंगे कहीं ना कहीं कुछ होली ना हो। और बड़े लोग आए, यहाँ पे पूरी नगर निगम टीम लगी है, JCB हेडरा लगा हुआ है विसर्जन के लिए। पुनः आप लोग से आग्रह करना चाहेंगे बच्चों को लेकर ना आए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।